इतना उतना सुनो ना भाई, इतना सस्ता देते आप पहले बतवा हुए ना करता था, आज का क्या बोलिएगा। गंभीरता से अपना अपना बाहर बोलते रहिए, वो तो ठीक है, बोलते रहने में कोई दिक्कत नहीं, हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि भाई यहाँ आप लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत सारे बिहार के लोगों को एकजुट होकर के मांगना ना चाहिए कि सब जगह का रेट एक ही तरफ का करो। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अपना जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी आप लोग भी उन लोगों को कहिए कि अरे भाई आप राज करना चाहते हैं तो जरा ये सब करिएगा, तब ना आपको फायदा मिलेगा, ये सब चीज जरा कहिए सब लोग। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से पूछा है, आपका काम सिर्फ विरोध करना है क्या? आप बिहारी नहीं हैं जो केंद्र में राज कर रहे हैं, उनसे जाके जरा कहिए ना वन नेशन वन टैरिफ लागू करने के लिए, यानी कि बिजली की दरें जो हैं वो सभी राज्यों में एक समान हो। देखिए कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय लिया है, 13,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिहार की जनता के नाम कर दिया है, यानी कि जो बिजली की दरें बढ़ी थी अब वो दरें बढ़ी हुई नहीं रहेंगी, उसके बदले पैसा बिहार सरकार ही देगी। लेकिन जो केंद्र सरकार बिजली की दरें बढ़ा रही हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, जो विकसित राज्य हैं, वहाँ पर कम पैसे लिए जा रहे हैं, बिहार जैसे गरीब राज्य से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? विपक्ष ने जब सवाल पूछना चाहा तो नीतीश कुमार ने उन्हें चुप भी करा दिया और बताया भी, आंकड़ों के साथ बताया और साफ साफ कहा, हम तो कई बार बोलते हैं, आप भी जाकर कह दीजिए आप बिहारी नहीं हैं क्या, पहले बिहार के बारे में सोचिए। नीतीश कुमार का यह अनोखा अंदाज जरा देखिए। अभी लोग बोल रहे थे तो हमको आश्चर्य हुआ था, साथी थे, आई लोग भूल काहे के लिए गए थे, हम लोगों को तो जो मिलता है रेट ज्यादा ना मिलता है भाई, उस रेट पर बिजली यहाँ पर ज्यादा, जो हम लोग बराबर कहते थे कि भाई एक ही तरह का रेट होना चाहिए, तो वो वन नेशन वन रेट की बात, वन टैरिफ, तो वो तो कोई माना नहीं यहाँ पर हुआ। और कितना हम लोग यहाँ पर बिजली का सब लगवाए सब तो आप लोग जानते ही हैं, और दे दिया हम लोगों ने, हैंडओवर किया सेंटर को, ये सब किए, लेकिन इसके बाद आप जान लीजिए कि यहाँ का तो बिजली बिल लाख कहने पर भी ज्यादा हो रहा था, तो आप लोग सब साथे थे तब नहीं हम लोग मांग कर रहे थे, ताज्जुब कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो ये बताए कि आपका बिहार में था प्रति यूनिट, पिछले साल तक था 5.12 प्रति यूनिट, अब इस बार बढ़ करके हो गया है बिहार का 5.82, अब आप सोच लीजिए 5.82 रुपया प्रति यूनिट। अब दूसरे जगह का जान लीजिए, गुजरात का रेट क्या है, केंद्र से जो मिलता है सब तो हम लोगों के लिए है 5.82 रुपया प्रति यूनिट, और गुजरात में है 3.74, सबसे अमीर है दिल्ली का भाई, उतना सुनो ना भाई, इतना सस्ता देते, आप पहले बतवा हुए ना करता था, आज का क्या बोलिएगा। तो अपना बाहर बोलते रहिए, वो तो ठीक है, बोलते रहने में कोई दिक्कत नहीं, हम ही कर रहे हैं, असली बतवा के जान लीजिए। और महाराष्ट्र में है 4.32, बताइए देश का सबसे महंगा सबसे अमीर राज्य, और उसमें मिल रहा है उसको 4.32 रुपया प्रति यूनिट, हम लोगों को मिलता है 5.82 रुपया प्रति यूनिट, इतना ज्यादा रेट पिछले साल 5.12, और उससे बढ़ करके हो गया इतना। इसी में हम लोगों ने आपस में बैठ करके किया कि भाई इतना रेट बढ़ रहा है, और तो सवाल है जो कमेटी है उसका तो काम है ना कि जो रेट आता है उस रेट के आधार पर वो डिसीजन लेता है, लेकिन उसके बाद सरकार निर्णय लेती है, भूल कहे जाते हैं, सरकार निर्णय लेती है और ज्यादा लोगों को मदद देने का निर्णय लेती है। तो इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा, और अपनी तरफ से हम लोग कितना करेंगे। अब पिछली बार समाज में शांति बनाए रखें, अब जान लीजिए, बता दिए ये पिछले साल, मतलब यही जो साल खत्म हो रहा है आज के दिन, अब तक था 8,895 करोड़ रुपया, अब आज जो हम लोगों ने फैसला कर लिया है कैबिनेट से, अब इस बार जो हम लोगों को राज्य सरकार को लोगों की मदद जो देनी पड़ेगी वो है 13,114 करोड़ रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा।
लेकिन रेट तो हम लोगों को देना पड़ेगा, खरीदते हैं वो तो पैसा देना ही पड़ता है। तो इसके बाद लोगों को कम में ही जिसमें हम लोग रेट दे रहे थे वही तय रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे कि भाई यहां आप लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत सारे बिहार के लोगों को एकजुट होकर के मांगना ना चाहिए कि सब जगह का रेट एक ही तरफ का करो, ये तो सबका है। आप बोल दीजिए हम कितना अपना रेलवे का दे दिया। आपको पता है श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जो हम थे, मेरे अनुरोध पर यह हुआ बाढ़ में, और आकर के श्रद्धेय अटल जी ने उसका शिलान्यास किया। और उसके बाद आप बताइए जी बन के तैयार, और कितना ज्यादा है उसका, कितना बार ज्यादा करके ये पॉइंट वो पॉइंट सबका उद्घाटन अभी है, और दूसरे जगहों का भी जितना हम लोग बनवा रहे थे उस सब को इनकी राय थी, और सब कह करके हमने कहा कि नहीं ठीक है, सब केंद्र सरकार को हम लोग समर्पित कर दिए। अब बताइए साहब इतना हम उनकी मदद कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम बार बार कहते हैं, जब मीटिंग होता है तब ये कहते हैं, हम भी जब कभी भी आज तक मीटिंग हुआ, और जब मैं मुख्यमंत्रियों के लेवल पर बुलाते हैं उसमें भी हम यही कहते कि एक ही रेट सभी राज्यों को मिलना चाहिए, लेकिन अब सुन भी नहीं करते। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अपना जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी आप लोग भी उन लोगों को कहिए कि अरे भाई आप राज करना चाहते हैं तो जरा ये सब करिएगा, तब ना आपको फायदा मिलेगा, ये सब चीज जरा कहिए सब लोग। तो इसीलिए ये चिंता मत करिए, आप लोग तो पहले साथ थे, हम लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, आ एक एक घर तक बिजली पहुंचा दिए, किसी को छोड़ रहे हैं, किस तरह से बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, गरीबी के बावजूद भी कितना कम बिजली था और कितना। तो नीतीश कुमार ने बढ़ती हुई बिजली की दरों पर एक तरफ जहां कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया है, 13,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं सरकार की ओर से ताकि सब्सिडी दी जाए और लोगों को बोझ न पड़े, उनकी जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े, ऐसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से क्या कहा है, आंकड़ों के साथ उन्होंने जो बातें रखी हैं आपने सुना है, लेकिन इशारों इशारों में नीतीश कुमार का चुटिया अंदाज आपने सुना है। देखना अब यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से कई जगहों तो ये मांग की जाती है, कई जगह पर ये मांग की जाती है कि बिजली को मुफ्त किया जाए, नीतीश कुमार कई बार इन बातों पर भड़कते भी हैं, लेकिन जो बढ़ी हुई दरें हैं आखिर ये कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या केंद्र सरकार को नहीं सोचना चाहिए, ये बातें नीतीश कुमार ने भी पूछी हैं। बीजेपी नेताओं ने समझ रहे हैं क्या आगे निर्णय लिया होगा, क्या आगे वो इस बात को रखेंगे, क्या वो सिर्फ बीजेपी नेता हैं या बिहारी भी हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।